राजेश खन्ना ने दीवार फिल्म के रिलीज होने के 15 साल बाद एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन भी बैठे हुए थे और राजेश खन्ना ने खुलकर इस पर कहा था कि यश चोपड़ा तो दीवार फिल्म में मुझे ही लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म की कास्टिंग में यश चोपड़ा की एक नहीं चल पाई क्योंकि अमित की जगह वो राजेश खन्ना को लेते तो वो यश चोपड़ा को इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं देते और दीवार फिल्म कभी बन ही नहीं पाती। हजारों फिल्में छोड़ने वाले राजेश खन्ना के दिल में दीवार फिल्म ना मिलने की टीस साफ साफ दिखाई देती थी और अमिताभ समेत सभी को सुनाई भी पड़ती थी। अब कहते तो ये भी हैं कि सलीम जावेद जोड़ी ने यश चोपड़ा पर दबाव बनाया जिसकी वजह से चोपड़ा साहब ने राजेश खन्ना को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब अगर ये खबर सही है और उन्होंने वाकई ही ऐसा किया था तो ये बिल्कुल गलत था। खैर आगे चलते हैं। जावेद साहब खुद कहते हैं कि जब हम यश चोपड़ा को दीवार फिल्म की स्क्रिप्ट सुना रहे थे तो हम बार बार अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन चोपड़ा साहब अमिताभ की जगह पर राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। जब वो चोपड़ा साहब पर ज़्यादा दबाव डालने लगे तो चोपड़ा साहब के मुँह से निकल गया कि अमिताभ तुम्हें क्या कोई कमीशन देता है जो तुम अमिताभ की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, और अगर वो ये सब कुछ सोच समझकर कर रहे थे तो ये उनके लिए बहुत अशोभनीय भी है क्योंकि शायद आपको याद नहीं होगा कि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिन्होंने इस राइटर जोड़ी को हाथी मेरे साथी फिल्म में पहला ब्रेक दिलवाया था। उस दिन जावेद साहब के एटीट्यूड से साफ साफ लग रहा था कि हाथी मेरे साथी भी उन्हीं की वजह से हिट हुई थी क्योंकि उनका कहना था हमने चार हाथियों को छोड़कर सारी स्क्रिप्ट बदल दी थी। जावेद साहब का ये खुदगर्जी भरा बयान हम आज सुनकर समझ सकते हैं। तो राजेश खन्ना तो उस दौर में एक सुपरस्टार थे, दुनिया उनके कदम चूमती थी। और अब आप अपने आप को राजेश खन्ना साहब की जगह पर रखकर सोचिए कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा कि कोई सारा श्रेय अपने आप को दे और सुपरस्टार को उनकी अदाकारी का कोई भी श्रेय ना दिया जाए। आज भी जावेद साहब ये बात ताल ठोकर कहते हैं कि वो फिल्में उनकी वजह से हिट हुई थी। अब अगर राजेश खन्ना उनसे खफा ना होते तो क्या करते? मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें जावेद साहब ने कहा हो कि स्क्रिप्ट हमने लिखी लेकिन राजेश खन्ना ने फिल्म में अपनी अदाकारी से चार चांद लगा दिए। अब आप ही बताइए कि कौन सही है और कौन गलत। ये दूसरी बात है कि वो अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं।